देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो, और द ब्रेकफास्ट शो में ब्रेकफास्ट में आपने कभी खाए हैं सैंडविचेस, अमेजिंग बीफ सैंडविचेस, चाहे पुल बीफ हो चाहे रोस्ट बीफ हो, यमी फिज एंड बॉब, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे साथ होंगे। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि नाम क्या है फिज एंड बॉब। वेल, फिज स्टैंड फॉर फिजा, बॉब स्टैंड फॉर बाबा से बॉब, कुछ मल्टी कल्चरल नाम है। क्या कहानी है हम आपको बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल भी हम डिले नहीं करेंगे, इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको फिज एंड बॉब के फिजा रिजवी से एंड महमूद रिजवी से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू हैविंग अस ऑन योर शो, मोस्ट वेलकम, वी रियली वॉन्टेड यू टू कम। एंड आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी कि आप फिज एंड बॉब के नाम से जब इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देखते हैं तो अमेजिंग किस्म के सैंडविचेज आते हैं, वो पता चलता है कि कोई बाहर से सीख के आया है। सो आई वुड लाइक टू आस्क फिजा कि फिजा यू आर अ सर्टिफाइड शेफ, राइट? आई एम अ सर्टिफाइड शेफ, मैंने अपना जो सर्टिफिकेशन है वो लेजों कॉलेज में करा है एंड इट्स इन टोरंटो। Okay. And we're very excited. हम बहुत excited हैं to be on हम मसाला today. And we're going to be showing you two sandwiches. Okay. एक हमारा पुल बीफ है और एक हमारा नया sandwich है which is a chicken sandwich which is called the KJ. The KJ. जी. Okay. Amazing. और मैं चाहूँगी कि बॉब आप प्लीज़ ये बताएँ कि how did you two come up with this idea? क्या आप पाकिस्तान से बाहर ऐसा कुछ कर रहे थे फिज एंड बॉब के, या कोई आउटलेट था आपका ये यहाँ आकर? शेयर दैट स्टोरी, व्हाई डिड यू कम बैक एंड क्यों ये स्टार्ट किया? कनाडा में रह के भी दिल पाकिस्तान में था हमेशा, यू नो, क्योंकि यहाँ की जो अपनाइयत और लोगों की जो मोहब्बत है वो हमेशा याद आती थी। फिज एंड बॉब का कॉन्सेप्ट जो है ये फेबरी मार्च ऑफ 2020 में हुआ, जिसमें कि कोविड का ज़माना था, सब कुछ जो था बंद हो चुका था। एंड हमें वहाँ पे जो था इन टर्म्स ऑफ काम की बहुत दुश्वारियाँ थी, बहुत इशूज़ थे। अच्छा, हम हमेशा से घर पे हमारा शौक़ रहा है लोगों को एंटरटेन करने का, यू नो, एंड हम घर पे मीट स्मोक करते थे। ओके। अच्छा, मुझे मीट स्मोकिंग का बहुत शौक़ था हमेशा से, क्योंकि वो एक है, एक शौक़ है कि आप यू नो बैकयार्ड में स्मोकर लगा हुआ है और वो उस मीट स्मोक करना तो एक चीज़ है, बट उसको फिर टू मेक इट एवर सो फ्लेवरफुल, इनकी जो एक तो जो ट्रेनिंग थी लेजों कॉलेज की उसने मदद की, उसने बहुत मदद की। ओके। और शी यूज़ टू मेक दिस इनक्रेडिबल सॉसेज एओडीज, तो बॉब वो स्मोकिंग द मीट एंड फिज वाज मेकिंग द, सो दैट्स हाउ फिज एंड बॉब केम अप। Amazing, amazing. अच्छा, अब लोगों ने कहा यार ये आप लोग ही काम कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा बढ़ाइए। सो हमने सोचा कि यार ये थोड़ा सा देखते हैं, ज़रा ट्राई करते हैं। एंड हमने कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट्स अपने दिए, तीन चार हफ्ते के अंदर वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लॉग है विच इज़ कॉल्ड ब्लॉग टीओ, तो वी वर फीचर्ड ऑन ब्लॉग टीओ। ओके। एंड रिजल्ट वाज के फ्रॉम ऑल ओवर द जीटीए जो है हमारे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो गए फॉर प्रोडक्ट। अच्छा, खैर बड़ा अच्छा था, चल रहा था। और ये कनाडा की बात, ये कनाडा की बात कर रहा हूं, अभी वो पाकिस्तान नहीं आए, पाकिस्तान हम नहीं आए। सही। अच्छा, दिसंबर 2020 हमारी मंजरी बच्ची है, उसकी शादी का एक, अब वो ये है ना कि अल्लाह ताला हर चीज़ का एक सबब, एक रास्ता बना। बिल्कुल बिल्कुल। सो वी केम टू पाकिस्तान इन जनवरी ऑफ 2021 और बस ना कोई वापसी का रास्ता बना, सब कुछ यहाँ बैठे बैठे अल्लाह ताला ने कर दिया एंड यू नो द प्रोडक्ट्स स्टार्टेड कमिंग आउट। मुझे बहुत, एक तो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और उसके साथ ही साथ दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। एंड देन ऑफ कोर्स कराची, कराची। अच्छा, मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान के हर शहर से हमें प्यार है, मगर हर शहर की ना ख़ास बात होती है। कराची में कोई भी बुरी इटली चल नहीं सकती है कभी भी, इतना कंपटीशन है। सो फिज एंड बॉब की इतनी तारीफ़ें सारे लोगों ने फूड ग्रुप्स पर की हुई हैं कि हर कोई जो है ना वो इसी तरह से पहली बार ट्राई करता है कि मेरे इस फ्रेंड ने खाया था या इस जानने वाले ने खाया था, उनको बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे थोड़ी सी रेसिपी की तरफ आएंगे। पुल बीफ जो सैंडविचेस हम बना रहे हैं, पुल बीफ बना के लाइन थी फिज़ा, और आई वांट कि अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें चिकन वाले सैंडविच को या पुल बीफ को। सो
Go ahead. So जो हमारा चिकन सैंडविच है उसकी हमारी एक अलग एओली है विच इज़ गॉट क्या कहते हैं हमने इसमें थोड़ी सी चिली डाली है और उसके बाद हम इसमें डालते हैं अनियंस सॉटेड अनियंस इन बाल्सामिक जो हम मैं इस वक्त लगा रही हूँ इस पर और उसके बाद हम डालेंगे इसमें हैलपिनो Awesome. And then we are going to put the patty. And उसके ऊपर हम डालेंगे rocket. Amazing. अच्छा ये rocket leaves है ना एक कुछ लोगों के लिए थोड़ा acquired taste होता है but the combination of rocket leaves and a burger या sandwich बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि वो उस वाली चेन का हम जो है ना वो बर्गर या सैंडविच खा रहे हैं अमेजिंग जी आई लव दिस वन मैं पुल्ड बीफ का जरा सा आपको एक्सप्लेन करूं कि स्मोकिंग मीट स्मोकिंग जो है बेसिकली लो स्लो कुकिंग होती है जिसमें कि आप लो हीट के ऊपर ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम जो है आप मीट को जो है वो कुक करते हैं सो और मीट को आप इस तरह से आप कुक करते हैं कि दैट उसमें जो कॉलेजन जो होता है दैट ब्रेक्स डाउन सो पुल बीफ में कम से कम 17 से 18 घंटे लगते हैं टू ब्रिंग इट टू दिस पॉइंट अलॉन्ग विद द स्मोक एंड दैट्स व्हाई क्या होता है कि इस मीट में इतना फ्लेवर होता है कि जो एक दफ़ा ट्राई कर लेता है वो तो बिल्कुल उसके शैदा ही हो जाते हैं बिल्कुल जैसे कि ये कह रहे हैं कि मीट का ना अपना फ्लेवर निकल के आप उसको फील कर सकते हैं सो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एटलीस्ट एक चैलेंज था क्योंकि वहाँ के मीट में और यहाँ के मीट में बहुत फ़र्क है अच्छा यहाँ क्या चैलेंज आपने फेस किया मीट की क्वालिटी के हवाले से वो एक सब्जेक्ट है जिस पे कि मैं काफ़ी काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ अब तक जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोइंग मीट फॉर द टेबल जो है वो बहुत कम है सो इसीलिए जहाँ पे जानवर का मीट इतना लीन है कि जब तक के उसको आप तवील मुद्दत के लिए ना बनाएं वो वैसे फ्लेवर नहीं आता गलता जो फैट से आता है बिल्कुल सो वो कुछ चैलेंजेस हैं एंड आई थिंक कि मैं जितने भी लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं उन सबको इनवाइट करूँगा कि वो इस पे थोड़ा सा अपना रुझान डालें ताकि हमारे पास जो यहाँ पे कैटल ब्रीड्स हैं उनकी देखभाल नशोनुमा अच्छी तरह से करें ताकि उसमें से जो प्रॉपर यील्ड है वो हमें बिल्कुल और ये बड़ी अच्छी बात आपने की है बिकॉज हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी नेशन है जिसको गोश्त खाना नहीं पसंद इनफैक्ट एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त हम आपस में बात कर रहे थे कि ब्राज़ीलियन फूड अगर यहाँ पे स्टार्ट किया जाए जो कि है ही मीट 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 तो बहुत चलेगा पाकिस्तान में अगर हम हमारे देखते हैं कि केपी के साइड पे भी देखते हैं कि मीट का जो है वो इस्तेमाल है सो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल चॉइसेस में सबसे बेहतरीन मीट की चॉइस कौन सी थी बेहतर अगर हम कह सकें देखिए हमने जो काओ मीट है जो कि नॉर्थ अमेरिका में जो है काओ आपके वहाँ पे 1500-1000 किलो की काओ होती है यहाँ वही काओ जो है वो 100 किलो की होती है 125 किलो की सही तो उसमें तो गोश्त है ही नहीं सो वी यूज़ बफलो मीट और बफलो में हमें जो है वो कम से कम वो जायका मिल जाता है सही इट्स अ सॉफ्टर टेंडर मीट सो फॉर अस यू नो राइट नाउ क्योंकि मेरा यहाँ हम लोगों का आगे चल के प्रोग्राम है कि हम मटन प्रोडक्ट्स भी ऐड करें क्योंकि मटन इज अ बिग कंज्यूमेबल एवरीबॉडी इज गोइंग टू लव एवरीबॉडी अच्छा ये हो गई मीट की बात सॉसेस स्पेशलिस्ट एंड द शेफ कितना ज़रूरी है फिज़ा कि आप एक बर्गर में या सैंडविचेस में दुनिया की सारी सॉसेस ना भर दें एंड जस्ट कम अप विद समथिंग विच इज़ लाइक द राइट यू नो व्हाट इट बहुत यूनिक होना चाहिए हर सैंडविच के लिए हमने अपने खुद टेस्ट करके ट्रायल्स करके ये सॉसेस बनाए हैं सो दैट दे कैन कॉम्प्लीमेंट द सैंडविच एंड हम चाहते हैं कि यू नो जब भी कोई नया सैंडविच इंट्रोड्यूस हो तो उसका सॉस अलग हो ताकि आपको ये ना लगे कि हर सैंडविच जो है वो एक जैसा है बिल्कुल एंड हम कराची जो आए हैं हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे एंड वी वॉन्ट टू सर्व बैक टू आर कंट्री एंड वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम सॉरी मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जवान पौध जो है ना हर आदमी सोचता कि यार यहाँ पे बस पढ़ लिख के और बाहर चला जाए पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटी है जो पोटेंशियल है जो यहाँ कर सकते हैं
मैं कहता हूँ कि दुनिया में कहीं नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और ये पेट्रियोटिज्म आपका देख के आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंस्पायर इस तरह से भी हुए होंगे कि आपने ये कहा था कि जब कोविड स्टार्ट हुआ एंड व्हेन यू वर थिंकिंग अब क्या करना चाहिए, राइट? तो जब हम कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड अल्लाह की जो मर्जी होती है ना, वो जब किसी चीज को हम करता है तो बस रास्ते खुलते जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिजा, मुझे ये बताएं, सिंस आप लोग अपने फ्रेंड्स के लिए बनाते थे एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू लव इट, जब पहली बार आपने डिसाइड कर लिया कि लेट्स मेक इट अ बिजनेस, राइट, जो कनाडा में हुआ था, ऐसी कौन सी स्ट्रगल्स आपने फेस की जो आप लोगों को बताना चाहेंगी कि इन इन चीजों का ख्याल रखें बिफोर ओपनिंग अप अ बिजनेस? हमेशा छोटे से शुरू करें, सही, ताकि आप पहले देखिए कि आपके जो कस्टमर्स हैं वेदर दे इंजॉय योर प्रोडक्ट, एंड फिर महमूद बताएंगे आपको जी कोई स्ट्रगल्स या कोई टिप्स अगर बताना चाहें। अगेन जैसा फिजा ने कहा ना कि एक बिल्कुल छोटे स्केल से शुरू करें, हाँ, एंड ऑलवेज स्ट्राइव टू मेक श्योर दैट यू नो यू डू द बेस्ट दैट यू कैन, खास तौर से। अच्छा, उसके अलावा फूड इंडस्ट्री में आई थिंक व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू बी एबल टू अंडरस्टैंड के ये वो चीज़ है जो कि कोई और आपसे आप बना के देंगे वो कंज्यूम करेगा। सो स्टैंडर्ड्स, हेल्थ स्टैंडर्ड्स, खाना बनाने पे ग्लव्स, आज हम नहीं पहने हो मगर हेयर नेट्स, मास्क, तो ये चीज़ें हैं दैट कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब अगर आपका कोई कस्टमर आता है वो ये ना कहे कि भाई उस दिन हमने खाया था तो कुछ बेहतर था, आज कुछ कमी लग रही है। सो वेरी 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 पर्टिकुलर कि जो हमारे जो कंसिस्टेंसी है दैट हैज टू बी मेंटेन एट ऑल टाइम। कैसे आप लोग मेंटेन? सो उसमें क्या है कि हमने पहले स्मॉल बैचेस की रेसिपीज बनाई, ठीक है, एवरी सिंगल आइटम इन दैट, वो कहते हैं ना मेजर टू द टी। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि जब देख लिया कि भाई अब ये इसमें नमक कम था थोड़ा नमक बढ़ा दो, या लेट्स से फॉर एग्जांपल गार्लिक पाउडर कम था तो थोड़ा बढ़ा दो, वो जब एक दफ़ा हमने फिक्स कर ली फिर हमने उसी मॉडल को एक्सट्रैपलेट करके बढ़ा के उसको फिर लार्जर बैचेस पे अप्लाई किया है। सो एवरी सिंगल बैच दैट वी प्रोड्यूस उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगी कि भाई उस वक्त आए थे तो यार वो उसमें तो जायका अलग था, इसमें आज नमक तेज़ है उसमें नमक, नो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो एक मैं बायोपिक भी देख रही थी कि एक बहुत फेमस जो है बर्गर चेन है, और जब उन्होंने सोचा कि फ्रेंचाइज खोलने पड़ेंगे दे वर लाइक कि हम स्टैंडर्ड का क्वालिटी का ख्याल नहीं रख पाएंगे, हर चीज़ अलग होगी। सो आई एम श्योर कि सिंस यू गाइज आर दी एक्सपर्ट्स, राइट, जब आप पहले अपने फ्रेंड्स के लिए करते होंगे तो कभी आप अंदाजे से भी कर लेते हैं, बट वेन यू हैव अ टीम जिनको आपको ट्रेन करना है तो ये प्रिसिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारी जितने भी इस वक्त लोग देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होम मेकर्स हैं जिनके छोटे छोटे से बिजनेसेस हैं और घर से करते हैं, कुछ लोग इस तरह के रेस्टोरेंट हो सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका अंदाज़ा ठीक है, मगर जिसको हम कहते हैं ना R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि एक बार आपके अंदाजे से आपने कुछ बना दिया उसके बाद मेजरमेंट्स लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फॉर अस ऑल्सो वो कहते हैं ना कि लर्निंग कर्व है, और नॉर्थ अमेरिका में एक मीट कट होता है, ब्रिस्केट कहते हैं। ब्रिस्केट मैंने जब शुरू किया वहाँ पे तो अगेन लो स्लो, एक दफ़ा जनाब हुई, दिस इज आई थिंक द सेकंड टाइम, जनाब बुला लिए 15 लोग रात को, आज जो है ब्रिस्केट खाएंगे, वो इतना बुरा बना बिल्कुल रबड़ की तरह, सब मैं समझ में नहीं आया क्या करें, बट दीज आर थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ द लर्निंग कर्व टू बिल्ड टूवर्ड्स दैट, बट फंडामेंटल्स आर कि आप हर चीज़ को मेजर करें टू द टी, ताकि ये ना हो, खासतौर से कमर्शियल में जब आदमी आता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज प्रिसाइज। अच्छा, इनकी जो ट्रेनिंग है एज अ शेफ, अगेन शी इज़ बीन अ वेरी मेजर गाइडिंग लाइट फॉर मी, मुझे तो यू नो मैं तो शौकिया, बट नहीं वी आर अ टीम अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इवन आवर किड्स यू नो देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ये के वी आर टुगेदर एंड हम सब डिस्कस करते हैं एज अ फैमिली। माय नीस हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट हु लिव्स इन कनाडा, सो वी आर अ टीम। Amazing. And that's why we are where we are today. Amazing. And we are so proud of you. Dear team, यहाँ पे इनके जो sandwiches हैं वो बिल्कुल ready हैं, pulled beef वाला ready है, and chicken का आपने क्या नाम बताया था? The KJ. The KJ. Yes. So आप try भी कर सकते हैं, और हमारा outlet है on main Badar पे, and please आप लोग आइए और आके हमारे sandwiches try करिए and give us your feedback. बिल्कुल, thank you so much, Pheasant Bob. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया आपका। और वेल, अब टाइम है ब्रेक पे जाने का, ऐसी मुस्कुराहट के साथ जो मेरे फेस पे इस वक्त आई हुई है बाय लुकिंग एट दीज अमेजिंग सैंडविचेस, डू ट्राई, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जाके खा सकते हैं, आप हमें थैंक यू कर रहे होंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद हम करेंगे काम की बात, तो जल्दी से वापस आ जाइए।